कि ऑक्सीटॉक्सिन का काम मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीटॉक्सिन का काम ये है कि इन केस आपकी फीमेल ने एक पपी डिलीवर कर दिया, ठीक है, बशर्त ये आपने तब लगानी है जब वो एक आधा पपी डिलीवर कर दे। जब उसने एक आधा पपी डिलीवर कर दिया ना, तो उसके बाद जो है ना, अगर वो टाइम ले रही है कोई 3-4 घंटे से ऊपर चली गई है, फिर आपने जाने ऑक्सीटॉक्सिन जो है ना वो यूज़ करनी है, ठीक है। इस ऑक्सीटॉक्सिन से ये होगा कि उसकी जो डिलीवरी का जो वो मोशन है ना, वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा, ठीक है, जिससे वो फ्रीक्वेंसी से ना, मतलब मोशन के साथ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा टाइम गैप में पपी डिलीवर कर देगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी आसानी है, ये फीमेल के लिए भी आसानी है। ये बेसिकली पेंट्स के लिए होता है, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, ठीक है, मेरे उस्ताद ने जो मुझे बताया, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें ऑक्सीटॉक्सिन जो है एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मैं कहता हूँ ये हमने गलती की, हमें पता था फीमेल नर्सिंग पे है, हाँ, हमें पहले से लेके रखनी चाहिए, पहले से रखा नहीं और एंड पे आके हम खुआर हुए हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि मैं आप सबको यही कहूँगा कि ऑक्सीटॉक्सिन भैया ब्रीडिंग मामले में बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको संभाल के रखिएगा यार। 12-12 घंटे ले लेती है, 12-12 घंटे फीमेल ले जाती है ऑक्सीटॉक्सिन इज नेसेसरी इन ब्रीडिंग, ठीक है। तो आपने जब भी फीमेल आपको लगता है कि फीमेल नर्सिंग पे आप पपी डिलीवर कर देगी, आप पहले से लाके ऑक्सीटॉक्सिन रखें अपने पास, ये इस तरह की वाइल मिलेगी आपको, ठीक है। एंड नॉट अ बिग डील कि आपने किस तरह से लगानी, कैसे लगानी है आपने। देखें, अगर तो आप शौक कर रहे हैं ब्रीडिंग में ना सर, तो इतने गट्स आप में होने चाहिए, क्यों ना सुनून भाई, बिल्कुल ऐसी है कि आप एक इंजेक्ट फीमेल को खुद से कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपने किस लिए बिल्कुल रखा, किस लिए कर तो आप नहीं सकते। बंदा कह रहा है ना, ये खुद नहीं लगा सकता, मैंने लगाया, वाह यार नसरून भाई, वाह क्या बात है। बाकी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे नसरून भाई, बाकी वो कोई नहीं सर, देखें कोई भी शुरू से सीख के नहीं आया होता, ठीक है, टाइम के साथ सर हर बंदा सीखता। तो बाकी बातों की बात, ऑक्सीटॉक्सिन जरूरी है। तो ये हम जो है ना ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है ना, हम इसे लगाने लगे हैं फीमेल को, ठीक है, ताकि थोड़ी इसकी डिलीवरी जो है वो फ्लो से हो, ठीक है। बच्चों का जो गैप ये ज़्यादा ले रही है, 2-3 घंटे का, उससे ये है कि ये कम गैप लेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखाता हूँ कि आपने लगाना है किस तरह से है, ठीक है, इसमें कोई इतनी को रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है, अन्य वानी ठोक देना हड्डी उड्डी में, आपने मसल में लगाना है, ठीक है ना। जैसे ये थाई का मसल हो गया फीमेल का, ठीक है, मेरा नहीं, फीमेल का, ठीक है। आओ इधर आओ। अब जैसे ये देखें, ये मसल हो गया ना, ये मसल बेस्ट है आपने ऑक्सीटॉक्सिन अगर लगानी है। उधर करो फेस, उधर ये देखिएगा, फीमेल बेबी पप्पी जो है ना, इसने भी डिलीवर किया है, बड़ा प्यारी, बहुत प्यारी फीमेल है, वाइट कलर की, बिल्कुल प्योर वाइट है। दूसरा देने की जो है ये अभी तैयारी में है, फेस देखिए कितना क्यूट बेचा है, चल अला दे दे। अब दूसरा बच्चा घंटा तकरीबन हो गया, अब जैसे दूसरा बेबी आता है फिर वो आपको दिखाते हैं, वो भी इसके पास बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इसका, बस इसकी नर्सिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, ये बार बार इसको चाट रही है, इसी से जो होता है ना बच्चा वॉम। इसकी हार्ट बीट जो है ना वो तेज़ हो गई है, डैट्स मीन के अनदर बेबी इज़ ऑन दी वे। तो एक ये भी सिम्टम जो है ना वो आप नोट कर सकते हैं कि जब फीमेल की हार्ट बीट जो है ना वो तेज़ हो जाए ना, तो फिर जो होता है ना वो दोबारा बेबी देने लग, मतलब उसका दोबारा बेबी आने का टाइम हो जाता है। तो अब दिखाते हैं आपको, ठीक है, जब ये हेलो से लिख कर रही है, अभी आया बेबी बॉयर, ये अब देखते हैं मेल या फीमेल। अच्छी तरह लिक करने देते हैं बच्चे को, चूँकि फीमेल जो अपनी ज़ुबान से लिक करती है ना, वो बच्चे को वार्म करता है, बच्चे को एनर्जाइज करता है थोड़ा सा, जिससे बच्चा जो होता है ना एकदम से देखें हिलने लग पड़ा, ठीक है, पावर में आ गया। अब आप बच्चा पास उठा लेंगे, खुद आप साइंस लगाएंगे ना, तो फिर वो सही नहीं है। फीमेल को खुद लिक करने दें फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक बेबी आने लगा है, ये अब आपको करीब से दिखाते हैं बेबी आते हुए। डबल ब्रेस्ट, ये बॉडी बिल्डर बैठा है एक बाइसेप फ्लेक्स करें जरा अपना, रोनी कॉलोनी में।
ये का हेलानी बच्चों के साथ डड्डू भी दिया नसरून भाई है, डड्डू निकाल दिया इसने बच्चों के साथ साथ। बच्चा रुबा रही है नीचे, एक ना जोर लगा रही है, रुक जाओ बच्चे को गलत जगह ना दे दे नीचे। बच्चा देख रहा है नीचे, उछल आ गई बाहर। चल चल चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गर्ल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश शाबाश शाबाश, चल शाबाश, ये आ गया जी बाहर। ये तो सही पहली दफा देखा आपने? चलो अपने चैनल के थ्रू हमने यूट्यूब पे भी दिखा दिया। ये बता दो बबल खिलाना जरूरी होता है? हाँ ये बबल खिलानी भाई बहुत जरूरी है। ये देख रहे हैं साथ, इस तरीके से ना इसको खिलाना जो है ना वो बहुत जरूरी है। ये अब कुछ लोग कहेंगे कि जी क्यों, तो इसका आंसर ये है कि इससे फीमेल जो है वो फीड अच्छी करवाती है बच्चों। यार एक बच्चा और है, किधर है वो, के नीचे दबा हुआ है, ये रहा। हाँ हेल्दी बच्चा दिया इसने, कमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आया ब्रिंडर कलर का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा बुरी नज़र से बचाए। अच्छा बात फीमेल होती है वो जब काटती होती है ना तो अपना तोड़ देती है, मतलब बच्चे को नुकसान दे देती है। हाँ ये बड़ी अच्छी नर्सिंग कर रही है इसका, मैं एक मिनट ये बैग फाड़ देता हूँ खुद, ये एक मिनट। हाँ अगर खुद वो तो फीमेल ना कर रही हो तो आप इस तरह खुद भी फाड़ लो, ये सांसों खा रहे हो कितना प्यारा है यार। वो वैसे ही वो फीमेल के अंदर से निकला ना, कॉल फटी जो है, इसको भी चाट ले बाजी। जल्दी कर चाट इसे, ये जब एक दफा सूख जाएंगे ना फिर इनके असली कलर जो है वो पता लगेंगे। हाँ, फिर असली कलर पता लगेंगे ना। तो अभी अभी जो है वो ये बच्चा कमाल मेल था ऐसे। फोर बेबी दे दिया माशाल्लाह से, फोर बेबी हो गए हैं। ठीक है ये भी अभी आपको दिखाते हैं, ये मुझे पता नहीं चला किस टाइम इसने निकाला, और फोन पे लगा हुआ था उस उधर मैंने देखा बच्चा पड़ा हुआ एक, मुझे लगा मैंने कहा शायद वही उन तीन में से जो लास्ट बच्चा नहीं आया, फिर मैं दोबारा देखा तो मैं कहा इसके स्पॉट है, उसके तो स्पॉट नहीं था मुंह पे।